नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। 2024 के चुनावी माहौल में आपका स्वागत है। पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण के लिए अब चुनावी प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और यूपी सहित पूरे देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होने हैं, जिसमें से पहले चरण की जो वोटिंग प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और दूसरे चरण की तैयारी में अब राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं। दूसरे चरण में यूपी की कुल 8 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ने हैं और आपको बता दें कि प्रदेश की अभी जो सभी 8 सीट हैं, कुल 91 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा सीट शामिल हैं, जिस पर 26 अप्रैल को वोट पड़ेंगे, यानी कि मतदान होगा दूसरे चरण का, जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। और इन सभी सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है, क्योंकि बसपा ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और चुनाव में रोमांच ला दिया है। वहीं जानकारों की माने तो वोटों का बंटवारा होने से बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार देखने को मिला था 50-50 का रेशियो, जो कई अहम सीटें हैं मेरठ समेत, अमरोहा समेत। और इस बार क्योंकि आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है, तो ऐसे में जो फायदे की उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। तो दूसरे चरण के मतदान को लेकर फिलहाल क्या कुछ जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ प्रचार प्रसार में तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये बेहद अहम सीट है। तो हमारे साथ जयवीर माविया संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, अनिल मेड़ा बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं और कुलदीप पंडित बागपत से जुड़े हुए हैं। दूसरे चरण का मतदान होना है, पहले चरण का संपन्न हो चुका है। सबसे पहले गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं जयवीर मावी का। जयवीर, अगर देखा जाए अब दूसरे चरण के मतदान को लेकर काफी तेजी देखने को मिल रही है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब चुनावी शोर के बीच, यानी कि चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने में जुटे हुए हैं, अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ जमीनी स्तर पर देख पा रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि गाजियाबाद की जो सीट है वो काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। हालांकि अगर बात करें तो 2024 से पहले 3 बार यहाँ पर भाजपा के ही सांसद रहे हैं और इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ यहाँ चुनावी मैदान में है। वहीं अगर बात करें तो जो यहाँ पर उम्मीदवार है उन पर तमाम तरह के आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं और जो पार्टी के अंदर की जो टूट है, यानी कि जो कार्यकर्ताओं का जिस तरह से आपस में मतभेद है, वहां पर काफी नुकसान दे सकता है। वही जिस तरह से जो ठाकुर समाज का जो विरोध है वो भी गाजियाबाद में, जो गाजियाबाद की सीट है वहां पर काफी प्रभावित हो सकती है सीट। लेकिन अगर बात करें तो चुनाव अब अपने चरम पर पहुंच रहा है। यहां पर तमाम राजनीतिक दल के लोग, तमाम अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उनके लिए यहाँ पर समर्थन में पहुंच रहे हैं। बात करें तो आने वाले दिनों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी यहाँ पर रैली है लगातार। और वही जो दिल्ली से सांसद है मनोज तिवारी भी यहाँ पहुंचने वाले। अगर बात करें विपक्ष की तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी कल गाजियाबाद में होंगी। तो तमाम राजनीतिक दलों के जो लोग हैं अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में यहाँ पर लोगों से मतदान करने की अपील करने के लिए पहुंच रहे हैं। अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार यहाँ पर, क्योंकि कहा जाता है कि जो दिल्ली के रास्ते की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर निकलता है और उत्तर प्रदेश के बात करें तो गाजियाबाद और दिल्ली की जो सीमाएं हैं वो सटी हुई सीमाएं हैं और काफी महत्वपूर्ण गाजियाबाद की सीट को माना जाता है। और भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी जो उनका वर्चस्व, जिस तरह उनकी जो पारंपरिक सीट है वो कोई और ना ले जाए। उस सीट पर काफी मेहनत यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ रही है। वही विपक्ष भी काफी मजबूती के साथ यहाँ पर लड़ा हुआ है। कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी, उन्होंने यहाँ पर बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और जो बिल्कुल जयवीर, वापस लौटते हैं कानपुर का रुख कर लेते हैं एक बार। केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए हैं अपने प्रत्याशी, क्योंकि आज नामांकन होना है और ये सीधी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि दूसरे चरण
दूसरे चरण के मतदान को लेकर नामांकन प्रक्रिया की भी शुरुआत हो चुकी है। रमेश अवस्थी के नामांकन कार्यक्रम के मौके पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अब पत्र दाखिल करने के लिए रमेश अवस्थी का नामांकन, और आप ये सीधी तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान उनकी मौजूदगी। मंच पर कार्यक्रम के अध्यक्ष, तो पहले चरण का चुनाव चूंकि संपन्न हो चुका है, दूसरे चरण के मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया, और दूसरे चरण में यानी कि 26 अप्रैल को मतदान होना है 8 लोकसभा सीटों पर। कानपुर के परमठ मंदिर की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए हैं इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। कानपुर नगर लोकसभा की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे बीच में प्रमिला पांडे की भी मौजूदगी और तमाम बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं इस बीच नजर आ रहे हैं। कानपुर के परमठ मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर ये कार्यक्रम रखा गया है, और केशव प्रसाद मौर्य इस नामांकन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और हमारे बीच में हमारी बहन प्रेमलता कल्याण जी और मेरे मित्रों, आज के कार्यक्रम के दूल्हा, आज के कार्यक्रम के दूल्हा और जिन्हें आज अपना नामांकन दाखिल करना है, आज के प्रत्याशी और कानपुर से जो सांसद होकर के आपके बीच आएंगे, ऐसे रमेश अवस्थी जी पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सम्मानित। तो दूसरे चरण के चुनाव का शोर अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है, और अपने प्रत्याशी के समर्थन में लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब एक माहौल बनाने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। वापस लौटते हैं चुनावी माहौल में और चर्चा करते हैं दूसरे चरण के मतदान को लेकर, आखिर जमीनी स्तर पर क्या कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर जातीय समीकरण हावी होते हुए नजर आते हैं। अगर बुलंदशहर का यहां पर जिक्र किया जाए तो बुलंदशहर में किस पार्टी का एक दबदबा रहा है ये सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कृषि प्रधान जनपद है ये बुलंदशहर देखा जाए। अनिल मीणा का रुख कर लेते हैं, यहाँ पर किसानों का रुख क्या कुछ नजर आ रहा है? बुलंदशहर अगर सीट को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ जमीनी स्तर पर देख पा रहे हैं, सियासी बयार किसो? देखिए बिल्कुल ऐसी मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर की लोकसभा सीट की अगर बात करते हैं, जनपद लोकसभा सीट में जो बीजेपी ने तीसरी बार फिर से जो दाव डॉक्टर भोला सिंह पर दाव खेला है, क्योंकि दो बार के लगातार वो जीते हुए सांसद हैं और उन्होंने तीसरी बार भी उन्हें मैदान में उतारा। हालांकि जो जनता की अगर बात करें, जनता में उनको लेकर काफी नाराजगी बनी हुई जरूर थी, लेकिन फिर भी लोगों जो बीजेपी है उन्होंने पे दाव खेला। अगर बात की जाए लगातार जो उनके समर्थन में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज यहाँ जो बुलंदशहर में जनसभाएं की हैं, अगर बात की जाए कल भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके समर्थन में जनसभा करके गए थे, और उसके बाद अगर बात की जाए केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ आ चुके हैं। अगर बात की जाए तो लगातार बीजेपी के ही जो तमाम बड़े बड़े नेताओं ने बुलंदशहर में जनसभाएं की हैं। अगर बात अगर की जाए तो अब बसपा का जो कैंडिडेट है गिरीश जाटव, उनके समर्थन में मायावती जो बसपा स्मृतियों है वो 22 अप्रैल को एक जनसभा संबोधित विशाल सभा को संबोधित करेंगी, जो सिकंदराबाद में होगी, जो संयुक्त जनसभा होगी, क्योंकि जो गौतम बुद्ध नगर के जो प्रत्याशी हैं राजेंद्र सोलंकी और जो बुलंदशहर के जो प्रत्याशी गिरीश जाटव, उनके समर्थन में वो विशाल जनसभा करेंगे, और उसको लेकर बसपा के हालांकि लोगों में काफी जो दलित वोट है उनमें काफी उत्साह दिखने को मिला। अगर बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें डॉक्टर भोला सिंह, हालांकि जीतते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका लगातार अगर बात किया देहात के गाँव में तमाम कृषि प्रधान जिस तरह से लगातार देहात क्षेत्र है तो उसमें लगातार विरोध हो रहा है और लगातार बीजेपी के लोगों को कहीं ना कहीं बिल्कुल अनिल देखा जाए बुलंदशहर में अगर किसानों का मन टटोलने का अगर जिक्र किया जाए तो क्या लगता है भोला सिंह के समर्थन में ये रुख नजर आ रहा है? जी
देखिए बिल्कुल, अगर किसानों की बात करें तो किसान पूरी तरह से बीजेपी से नाराज हैं। हालांकि बात करें जिस तरह से जो बीजेपी का जो गठबंधन आरएलडी से हुआ है, आरएलडी के लेकर कहीं ना कहीं जो जाटलैंड बोर्ड था वो काफी नाराज था। हालांकि जो अगर जो किसान यूनियन की बात करें तो किसान यूनियन अब भी नाराज है। किसान यूनियन का कहना है कि जयंत चौधरी के कहने से वोट नहीं देगा किसान, किसान को सिर्फ अपनी एमएसपी गारंटी जो कानून बनाया की जो मांग की उसको सरकार ने अभी तक नहीं बनाया है। अगर लेकिन अगर बात की जाए, देखिए ठाकुरों की जो ठाकुर लैंड जो है समाज वो भी पूरी तरह से नाराज दिखाई दे रहा है। कल अगर बात की जाए जो ठाकुर समाज के जो पूरन सिंह है, जो ठाकुर समाज के एक बड़े नेता भी हैं और बड़े समाज सेवी हैं, उन्होंने भी कल 22 बिल्कुल अनिल, ये सीटें ऐसी सीटें हैं कि यहाँ पर जातीय समीकरण भी एक बहुत बड़ा आधार है और ये आधार भी बहुत हावी होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसे ही बागपत का रुख कर लिया जाए, क्योंकि बागपत भी चौधरी परिवार का एक गढ़ माना जाता है। बागपत से भी हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित जुड़े हुए हैं। बागपत सीट को लेकर अगर देखा जाए तो क्या लगता है, आरएलडी की राह आसान होगी क्योंकि आप गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्या कुछ जातीय समीकरण यहां पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं? जी सोनी, बिल्कुल बता दूं आपको कि जिस तरह से बागपत की जो लोकसभा सीट है, बागपत लोकसभा सीट पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक अपने आप में एक वोट सीट के रूप में मानी जाती है और ये चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि इसको कहा जाता है और कहीं ना कहीं रालोद का गढ़ भी इसको माना जाता था क्योंकि ये जाट बेल्ट है पूरी तरीके से और यहाँ पर इन्हीं का ही वर्चस्व रहा था क्योंकि चपरौली जो विधानसभा है बागपत लोकसभा की उस पर हमेशा से ही रालोद का कब्जा रहा है। लेकिन बीजेपी और रालोद का गठबंधन हुआ है तो मैं कहीं ना कहीं समीकरण अलग बनते नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण कार्ड खेला है जबकि बहुजन समाज पार्टी की जो है उन्होंने एक गुज्जर कार्ड खेलते हुए प्रवीण बंसल को यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से वोट है वो जातिगत तरीके से बढ़ते नजर आ रहे हैं और ये बागपत लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो बागपत लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार साफ नजर आ रहे हैं। जी सोनी, बिल्कुल एक बार मेरठ का रुख कर लेते हैं क्योंकि मेरठ में देखा जाए भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत की हैट्रिक बचाए जाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। राजू, यहाँ पर जो जातीय समीकरण है वो क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, मेरठ की बात करें तो मेरठ की जो सीट है वो हॉट सीटों में से एक है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। अरुण गोविल वही व्यक्ति है जिन्होंने रामायण के नाम का किरदार निभाया था, वो यहाँ से सीट मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। वही गठबंधन की बात करें तो गठबंधन ने यहाँ से सुनीत वर्मा यानी की पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी पूर्व में मेयर भी रही है मैदान में उतारा है। तो दोनों ही जो प्रत्याशी है उनमें बराबर की फाइट मानी जा रही है, कांटे की टक्कर मानी जा रही है। इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि जो सुनीता वर्मा है वो पूर्व में मेयर रही है और दलित समाज से आती है, दलित समाज और मुस्लिम समाज का जो वोट है वो इस सीट पर अहम भूमिका निभाता है। अगर ये दोनों जाति का जो वोट है किसी भी एक प्रत्याशी के पक्ष में पड़ जाए तो उसकी जीत निश्चित होती है। बिल्कुल, क्या लगता है राम जी बेड़ा पार करेंगे? हाँ सोनी बिल्कुल, देखिए राम जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बेड़ा पार करने की भी बात कर रहे हैं, कह रहे थे जब अभी दो दिन पहले सिसोली में कोविड के मुखिया योगी आदित्यनाथ आए थे तो मन से एक बात उन्होंने कही थी कि ये मेरी जन्मभूमि है मेरठ और जीत कर अगर आता हूँ तो इसको मैं कर्म भूमि भी बनाऊंगा, यानी कि मैं काम भी अब यहीं करूंगा, मुंबई नहीं जाऊंगा। बात बड़ी वायरल हो रही थी तो मुंबई के है भारी प्रत्याशी है, इसको लेकर उन्होंने बयान दिया है कि मैं इसको मेरठ को अपने कर्म भूमि बनाऊंगा, यानी कि जो काम है अब वो यहीं से करूंगा। तो कहीं ना कहीं इसके भी मायने अलग है और एक बयान काफी उनका वायरल हो रहा है और ठकुरायन वाला, क्योंकि क्षत्रिय समाज लगातार नाराज चल रहा था बीजेपी से, उसको लेकर उन्होंने बयान दिया था कि जो मेरी पत्नी है वो भी क्षत्रिय समाज से है और जो भी नाराज हो जाती है मैं उन्हें समय नहीं दे पाता तो वो ठकुरायन बन जाती है, मैं उस ठकुरायन को मना लेता हूँ तो आप लोगों को भी मैं मना लूंगा, ये बयान भी उनका काफी वायरल हो रहा है। बिल्कुल राजू, ये तो फिलहाल देखना होगा कि मना पाते हैं और मनाने में कितना कामयाब रहते हैं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। अमरोहा सीट का जिक्र कर लेते हैं, अमरोहा से हमारे संवाददाता शीरभ चौधरी जुड़े हुए हैं। शीरभ, अमरोहा में किसका सिक्का जमेगा क्योंकि अब तीसरी बार देखा जाए अमरोहा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी कंवर सिंह तंवर को टिकट दिया है, चुनावी मैदान में है, क्या कुछ नजर आ रहे हैं आसार? जी निश्चित तौर पर अगर बात अमरोहा की जाए तो अमरोहा लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद अगर आंकड़ों पे नजर डाली जाए तो आंकड़े कुछ इस तरह से हैं
कि जिसमें जो दलित दलित जो है वो जो है 20% वोट है और यहाँ पे मुस्लिम जो है वो 28% वोट है। अगर जब बात आंकड़ों से की जाती है तो अगर मुस्लिम और दलित 48% जिस प्रत्याशी को वोट डाल देते हैं उसकी जीत होना सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन जो एनडीए के प्रत्याशी हैं चौधरी कंवर सिंह तंवर जो कि अमरोहा से एक बार सांसद भी रह चुके हैं, उन्हें पिछली दफा जो गठबंधन के प्रत्याशी थे कंवर दानिश अली उन्होंने हराया था और इस बार जो है वो सांसद भी रहे हैं। लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने जो पिछली बार के हारे हुए प्रत्याशी हैं एनडीए से जो प्रत्याशी हैं कंवर सिंह तंवर उन पर एक बार फिर हाथ आजमाए हैं। लेकिन अगर इस वक्त जो है सबसे ज्यादा जो आधारभूत है इस सीट का वो जो है मुस्लिम वोटर्स पे जाता है क्योंकि दलित समाज जो है वो सीधा जो है मायावती को वोट करेगा और जो इसके कैंडिडेट हैं मुजाहिद हुसैन चौधरी उनको वोट करेगा क्योंकि मायावती का जो वोट बैंक है वो अपनी जगह जो है स्थिर रहता है, वो कहीं जाता नहीं है। इस प्रकार से जो सीट है वो अगर दलित के साथ में अगर मुस्लिम से जो उम्मीद जता रही है इस बार मायावती और मायावती के कैंडिडेट मुजाहिद चौधरी अगर मुस्लिम जो है 50% से अधिक भी चला जाएगा तो सीट जो है बसपा के खाते में चली जाएगी। लेकिन अगर इसके अलावा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कंवर दानिश अली के साथ में अगर मुस्लिम वोट ज्यादा जाता है या 50% से अधिक निकल जाता है तो जो है दोनों ही कैंडिडेट जो है धाराशाही हो जाएंगे और इसमें जो है जो बीजेपी के प्रत्याशी है कंवर सिंह तंवर उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तो अगर देखा जाए तो फिलहाल जो है स्थिति अमरोहा शीरब आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जो रुख है वो किधर की तरफ जा रहा है जब तक ये कैंटीना बेकार है लेकिन अभी जो है मुकाबला जो है कांटे की टक्कर है कि जो वोटर थे उसका अभी भापना बहुत मुश्किल काम हो रहा है। हालांकि कल प्रधानमंत्री जो है उनके आगमन पर जो कंवर सिंह तंवर हैं उनके लिए वोटों की अपील की थी और पूरी तरह से जीत का मूल मंत्र भी दिया था। साथ में मुख्यमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा था कि जो जनता पिछली दफा हमें अपेक्षाएं थी अमरोहा की जनता से इस बार भी उससे अधिक अपेक्षाएं लेकर मैं आपके बीच मौजूद हूं। और इसके अलावा जो है जो आज यानी कि 21 तारीख को अखिलेश यादव और जो है राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं अमरोहा में उन पर भी शहजादे कहके तंज कसते हुए निशाना साधा था और उन्हें राम मंदिर का जो राम मंदिर में जो उन्हें दावत दी गई थी उसको ठुकराने का भी उन्होंने तंज करते हुए बात कही थी। बिल्कुल ये आम बात है, देखा जाए शीरब चुनावी जनसभाओं में अपने प्रत्याशियों के लिए और वोट की अपील करना और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधना क्योंकि अब दूसरे चरण को लेकर चुनावी शोर तेज हो चुका है, नामांकन की प्रक्रिया भी जारी हो चुकी है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने भी है। एक बार गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं, जयवीर अमावी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर, दिल्ली से सटी जो गाजियाबाद लोकसभा सीट है यहाँ पर 3 बार से कमल खिलता हुआ चला आ रहा है, क्या लगता है कांग्रेस अपना खाता खोल पाएगी क्योंकि यहाँ भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बेहद हावी होते हुए नजर आ रहे हैं जिन मुद्दों के आधार पर जनता जो है बूथ स्थल तक पहुंचेगी और अपना जन समर्थन देगी? देखिए थोड़ी यहाँ पर अगर हम गाजियाबाद जनपद की बात करते हैं, गाजियाबाद लोकसभा सीट की बात अनम्यूट कर लीजिए। अभी तो कांग्रेस से इस सीट पर भाजपा के सामने चुनाव लड़ी थी और लगभग 1.5 लाख के आसपास उन्हें वोट मिला था लेकिन इस बार जो मतदाता है काफी खामोश है और मतदाताओं की खामोशी ही भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। वही बात करें तो जिस तरह से पिछली 2 योजनाओं में भाजपा से जनरल वीके सिंह यहाँ पर सांसद रहे, इस बार सड़क परिवहन मंत्री भी रहे और तमाम जो सड़कें हैं गाजियाबाद की जो खस्ता हालत सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं इस बार पार्टी को नुकसान दे सकती है। वहीं जो अतुल गर्ग हैं जो इस समय उम्मीदवार हैं उनके अगर हम इतिहास की बात करें तो पिछली बार जब कोरोना काल था तो वो उत्तर प्रदेश सरकार में
स्वास्थ्य मंत्री थे और ऐसे में जब स्वास्थ्य लोगों को जरूरत थी तो वो गाजियाबाद की सड़कों पर दिखाई नहीं दिए थे, जिसको लेकर जनता ने काफी नाराजगी भी जताई थी और वही नाराजगी कहीं ना कहीं अखिल गर्ग पर। हालांकि बात करें तो इस समय जो चुनाव है काफी कांटे की टक्कर है। जिस तरह से अन्य क्षेत्रों की हम बात करें, जो पहले चरण के जो मतदान हुआ है उस मतदान के जो रुझान है, उस मतदान के रुझान के अगर अनुसार हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो ठाकुर बाहुल्य जो गांव है वहां पर मतदान का जो प्रतिशत काफी धीरे रहा और लोगों ने मतदान नहीं किया है। यदि ऐसे में गाजियाबाद में भी वही परंपरा चलती है, मतदाता नहीं निकलते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है, बदलाव की स्थिति हो सकती है। लेकिन जो भाजपा के जो कार्यकर्ता काफी जो उत्साहित कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से उसमें है कि भाजपा यहाँ से सीट निकाल सकती है, क्योंकि पिछली बार जो जीत का अंतर था वो लगभग 5 लाख से ज्यादा का था, तो उसी को आधार मानकर भाजपा के कार्यकर्ता लगभग कह सकते हैं कि इतना जोश इतना उत्साह उनमें दिखाई नहीं दे रहा है। और केवल एक परंपरा की बात कर ले तो लोगों के मन में एक अपेक्षा है, जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनके अनुसार जो भाजपा की सीट है वो निकल जाएगी। तो जिस तरह अतुल गर्ग जो यहाँ पर उम्मीदवार, उनका जो अंदरूनी जो विरोध है वो काफी बड़े स्तर पर है। वही जो कांग्रेस की जो उम्मीदवार है डोली शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर अतुल गर्ग पर भूमाफिया होने के आरोप लगाए थे। जब उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि सवाल कोई भी उठा सकता है लेकिन इन बातों में सत्य नहीं। हालांकि उन्होंने इस बात को नकारा भी नहीं है लेकिन स्वीकार भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो गाजियाबाद में राजनीतिक हवा चल रही है, ये जो राजनीतिक बयान है, ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन जो जनता है, जिस तरह से जो जनता की जो खामोशी है वो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल बड़े बदलाव की इस बार देखा जाए तो पहले चरण में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, क्योंकि जनता की खामोशी और ये बात भी बताती है ये खामोशी कि अब जो मतदाता है वो कितने जागरूक हो चुके हैं। अनिल मीणा का रुख कर लेते हैं बुलंदशहर का, क्योंकि 7 विधानसभा वाले इस बुलंदशहर लोकसभा सीट भी बेहद अहम, और इसके भी जातीय समीकरण के आधार पर इसे देखा जाए, या जो किसानों का मुद्दा रहा, यहाँ पर किसानों की अपने मुद्दे हैं, अपने कई विकास मुद्दों के आधार पर एक जो जनता का रुख है अनिल मीणा, वो क्योंकि पहले चरण में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहाँ पर सन्नाटा पसरा रहा, लोग अपने घर मकानों से फ्लैट से बाहर निकल कर नहीं आए, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, तो ये शायद ये एक चीज़ एक फैक्टर निकल कर सामने आ रहा है जो अब राजनीतिक या भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें या विपक्षी पार्टियों का, इनकी चिंताएं जरूर बढ़ा सकता है। जी ठीक है, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में लगातार जिस तरह से तीसरी बार बीजेपी ने जो डॉक्टर भोला सिंह पर दाव खिला वो कहीं ना कहीं एक लोगों को काफी नाराजगी थी, और अंदर खाने की अगर बात करें तो लोगों में अब भी काफी नाराजगी है, क्योंकि जिस तरह से जो कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनसभा की थी तो उस जनसभा में तमाम कुर्सियां जो बताया जो उसमें थी खाली रह गई थी करीब। ठीक है अनिल मीणा, आपका वापस से रुख करेंगे, कानपुर का रुख करते हैं जहां पर प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के रमेश अवस्थी। केशव जब से डबलजी की सरकार आई है पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से कानपुर के विकास के पहिए की गति आगे बढ़ी है, उसी गति को हमें आगे बढ़ाना है। माननीय सांसद जी हमारे पचौरी जी यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने कानपुर के विकास में काफी बड़ा योगदान दिया है, जो कानपुर के उनके जो शेष उनके बचे हुए काम है हमारी जिम्मेदारी है, मैं उन कामों को भी पूरा करूं। साथियों, कानपुर का वैभव, कानपुर का गौरव दोबारा वापस आए ये हम सब चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कानपुर का मॉडल, कानपुर का विकास का मॉडल कानपुर के लोग तय करें। इसके लिए मैं बहुत जल्दी एक टोल फ्री नंबर जारी कर रहा हूं जिसमें कानपुर के लोग ये बताएंगे, अपने सुझाव देंगे कि भविष्य का कानपुर उनको कैसा चाहिए, और उस मॉडल के बाद मैं और हमारे जनप्रतिनिधि सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय हमारे डिप्टी सीएम माननीय केशव मौर्या जी से, सभी वरिष्ठों से ये अनुरोध करेंगे कि कानपुर के लोग भविष्य का कानपुर ऐसा चाहते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कानपुर के लोग
जो विकास का मॉडल बनाएंगे उसे अपनी स्वीकृति देंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। और उसका भी मेरे पास एक आधार है, मैं पिछले करीब 17-18 दिनों से लगातार अपने सभी मंडल के कार्यकर्ताओं से मैंने भेंट की, जो हमारे 18 मंडल हैं उनमें मैं गया, तमाम स्कूल कॉलेज मलिन बस्तियों में फैक्ट्रीज में, मैं हर जगह कानपुर में गया। और कानपुर में जब मेरे जाने के बाद मुझे एक बात स्पष्ट हुई, वो ये कि कानपुर की जनता के मन में मोदी है और मोदी के मन में कानपुर है, इसलिए अब ये विकास होना तो निश्चित है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो हमें हम गौरव से कहते हैं कि जब हम विदेश जाते हैं और जब वहां लोग ये कहते हैं, पिछली बार में मैं जब लंदन गया था तो वहां के लोग पूछ रहे थे कि भाई आपके प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि आपकी अर्थव्यवस्था हमारे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, आपके प्रधानमंत्री में ऐसा क्या जादू है जो भारत की दिशा और दशा पलट दी। तो मैंने ये कहा कि आज आप देख रहे होंगे मोदी जी की गारंटी, हमने कहा मोदी जी की गारंटी में भी गारंटी है। साथियों, देश नहीं पूरी दुनिया में इकलौते एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं सपने आपके और संकल्प हमारा, दुनिया में और कोई नेता ऐसा नहीं कहता, हर नेता कहता है कि सपना भी हमारा और संकल्प भी हमारा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सपना आप देखिए उसको पूरा हम करेंगे। साथियों, हमारे बुजुर्गों ने हमने आपने एक सपना देखा कि कभी राम मंदिर का निर्माण हो, रामलला स्थापित हो, लेकिन हमारे बुजुर्ग ये सपना देखते देखते स्वर्ग सिधार गए, क्योंकि उस समय तो 3 दशक तक सफल पत्रकारिता के बाद रमेश अवस्थी ने राजनीति में दस्तक दी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रमेश अवस्थी, और चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि भविष्य का कानपुर का मॉडल क्या होना चाहिए ये कानपुर की जनता तय करेगी। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए, अनिल मीणा आपका भी, जयवीरा मावी आपका भी, राजू शर्मा आपका भी, कुलदीप पंडित और शेरब चौधरी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस चुनावी माहौल में इतना ही, आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।